तो गाइस समय हुआ है 11:30 और हमने फर्स्ट जो पास है क्रॉस किया ये सामने है, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं। तो अभी जो हमने पास क्रॉस किया है वो लिंचहेड पास है और ये है लिंचहेड विलेज और यहीं पे है लिंचहेड मोनेस्ट्री, काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है। वो हमारे बंदे जा रहे हैं, अभी दो पासिस और आएंगे, सांगला पास और सिसरला पास। लिंचहेड के बाद काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रहा है हमारे को क्योंकि काफ़ी टैक्सी और ये महिंद्रा काफ़ी निकली है हमारे पास से। ये रूट काफ़ी बिजी है लेकिन उससे बाद वाला कनेक्ट किया है, ये जो पास अभी दिखाया था लिंचहेड पास ये अभी 2-3 साल से ही कनेक्ट किया है ये। तो गाइस हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं और सिंगेला पास लगभग आने वाला है। ये वहाँ से आए थे ऐसे बैंड कितने ये ऊपर आए हैं हमारे, अभी यादव जी नहीं दिख रहे हैं, अभी वो काफ़ी नीचे होंगे। चलो ऊपर रुकते हैं फिर सिंगेला में। तो ये आ गया सिंगेला पास। झूले नहीं, तकलीफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं, बस आप तो पहुंचने वाले हैं आप लोग। अच्छा, आप ले से आ रहा है? हाँ। ले से आ रहे। कितनी देर लगेगा अभी? अभी 170 किलोमीटर होगा। कितना? 170। पकड़ ले, एक बार पकड़ ले बाइक, पकड़ ले। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। नहीं, उधर से भी कहाँ से? पदुम। शिंगुला पास, मनाली शिंगुला पास, पदम। अब ले जा रहे हैं। अब ले जा रहा है। कितना पठन है। अच्छा, आराम से चलो। तो गाइस आप सभी का स्वागत है सिंगुला पास पे और मैं अभी सिंगुला पास पे खड़ा हूँ और तो मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, ये पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, वो बिल्कुल वो परले माउंटेन्स पे चले जाएंगे वो लास्ट में। और ये देखिए, ये है सिंगुला पास। यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 1 बजे और 10-15 मिनट हो गए हमें यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो आएगा सिसरला पास आएगा और 50-60 किलोमीटर शायद हमें अभी ऐसे ही रोड मिलेगी जिस तरह। तो चलते हैं अभी। तो सिंगुला पास से हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए आइस, पूरा ग्लेशियर है ये साइड में। और ये देखिए, ये रास्ता है जहाँ से हमने अभी जाना है, अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ओहो, स्लिप मार रही थी यहाँ पे पानी में, बारिश में तो यह बुरा हाल हो जाए आपको, स्लिप मारती है बारिश में। तो अभी ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी है और ये सामने के व्यू देखिए, घाटी के अंदर से हम निकल रहे हैं और हमारे चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। ये रास्ता देख लीजिए। तो गाइस एक चाय की दुकान पे आए हैं, यहाँ पे BRO का डेट होगा, ऑफिस है ये BRO के। तो यहाँ पे सारे बाइकर्स आके रुकते हैं, तो थोड़ा चाय पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं हम। अभी हम पोटोक्सर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक ढाबा है, यहाँ पे मैगी, बॉयल्ड एग, चाय, कॉफ़ी जो भी लेना है यहाँ मिल जाता है। तो हमने तो फेल दिया मैगी और अंडा क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, अंधेरा हो जाएगा ले पहुँचते पहुँचते, देखते हैं बाकी सब कुछ सही चलता रहा तो, क्योंकि रोज़ ही सीन हो रहे हैं हमारे साथ तो। यादव जी, रोज़ सीन हो रहे हैं। तो अभी चाय पी के फिर निकलेंगे भाई। तो गए अभी हमें फोटोस्कर और यहाँ पे फेमस मोनेस्ट्री है फोटोस्कर मोनेस्ट्री। ये देखिए रिवर छोटी सी। और यहाँ पे अभी हमने अपना लंच फिनिश किया, मैगी खाई, अंडे खाए, चाय पी। 3 बज चुके हैं,
अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और 50-60 किलोमीटर का अभी ये ऐसे ही ऑफ रोडिंग चलेगी। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। आगे एक गांव आ रहा है फुटुस्कर। फुटुस्कर के लिए आपको नीचे से जाना पड़ेगा और ले के लिए ऊपर से जाना पड़ेगा। अभी 40-50 किलोमीटर भाई ऐसे ही रास्ता आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कुछ सही होगा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सिरसिला पास। सिरसिला पास 15,700 फुट। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं सिरसिला पास। तो ये है 15,700 फीट की हाइट पे, और इससे पहले हमने शेंगला पास किया था और लेंशिट पास क्रॉस किया था। तीन, ये तीसरा, एक वो बीच में और पास था उसका तो नाम ही नहीं था। तो आप देख लीजिए ये जो रास्ता है, ये अब ये डाउन है पूरा, और उसके बाद हमें एक पक्की रोड मिल जाएगी। बस अब दोनों भाई तो निकल गए हैं, बस फोटोग्राफी करके फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये देखिए कितना शानदार लैंडस्केप दिन नज़र आ रहा है, और रास्ता बिल्कुल नदी के साथ साथ, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होके निकल रहे हैं यार। ये दूर से हमें दिख रहे थे ये पहाड़, और अब उनके बीच से होके निकल रहे हैं। और सिरसिला पास से हम बिल्कुल डाउन पे आ रहे हैं, और जब से हम वहाँ से डाउन से उतरे हैं अभी तक उतर ही रहे हैं। ये देखो डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन। ओहो धूल मिट्टी बहुत है, धूल मिट्टी बहुत है यार यहाँ पे, पता नहीं दूर कहाँ से आ रही है। अगर बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। पैदल जाने का रास्ता लोगों ने कैसे बनाया है, काट के, ये लकड़ी का पुल है और ये पैदल जाने का रास्ता ये है, क्योंकि कोई गांव है ऊपर तो ऐसे लोग जाते हैं यहाँ पे, और हम लगभग पहुँचने वाले हैं। तो गाइस 5:15 हो गए हैं और हमें मेटल रोड मिल गई है देखो, और ऑफ रोडिंग अब हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आज की ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, आगे पता नहीं कितनी आएगी। और क्या बोल रहा था, मेरे फ्यूल 3 पॉइंट रह गए हैं, यानी 100 किलोमीटर चल सकता हूँ मैं अभी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। वैसे 5 लीटर मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। टांडी में मैंने भरवाया था, और कल शाम को मैंने पेट्रोल भरवा लिया था, उसके बाद मैं करसा मोनेस्ट्री गया और सनी विलेज गया, इसलिए थोड़ा पेट्रोल मेरा ज़्यादा यूज़ हो गया, थोड़ा 20-25 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा चल चुका था। तो वांगला यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, और वांगला से पहले 13 किलोमीटर तक ये पूरी मेटल रोड है, और उसके बाद पूरी ऑफ रोडिंग है। वांगला मोनेस्ट्री, ऊपर मोनेस्ट्री है। तो ये है वो वांगला विलेज, यहाँ पे आप रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, होम स्टे भी है यहाँ पे, हिमालय होम स्टे। वांगला में बहुत सारे लोग रुकते हैं यहाँ पे, और ये आ गया वांगला। क्या करना है? उधर ऊपर? तो खलसी में आ गए हैं, और यहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा हमारा। सो गाइस अभी खलसी में, सामने मेरा अभी रैपिड टेस्ट हुआ है, अभी रिपोर्ट आनी है। तो हम तीनों का रैपिड टेस्ट हो चुका है, अभी देखते हैं रिपोर्ट मिलेगी फिर हम निकलेंगे आगे। अभी 87 किलोमीटर है यहाँ से ले, अभी 2 घंटे हमें लगने हैं ले जाने के, उसके बाद हमने रूम ढूंढना है डीसी ऑफिस के आसपास देखेंगे, क्योंकि सुबह उसकी हमें परमिट भी लेने हैं कल, फिर उसके बाद कल हम निकलेंगे खरदुंगला के लिए। ठीक है, अभी जैसी रिपोर्ट होगी हम निकल पड़ेंगे। और हमने खलसी से अंदर एंटर कर लिया है, हमारी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है तीनों की, क्योंकि जंस्कार में भी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, तो आरटीपीसीआर में भी नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही आएगी।
तो अभी हमने एक पेट्रोल पंप ढूंढना है और पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 पॉइंट रह गए और अमित यादव भाई के रिजर्व में चल रही है बाइक। बाकी इस रूट पे तो बहुत पेट्रोल पंप मिलेंगे हमें और 2 आवर्स में हम लेह में एंटर कर जाएंगे 2 आवर्स में। तो खलसी में हमने पेट्रोल फिल करवा लिया है, लास्ट हमने पदुम में डलवाया था और अब खलसी में 953 में हम पदुम से खलसी आ चुके हैं और 7 बज चुके हैं और 9 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और 3 साल बाद दोबारा लद्दाख आना बहुत ही सुखदायक लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। 2018 में आया था मैं बाइक ट्रिप पे जून में, अब जुलाई है 2021। ये समय बिल्कुल अलग समय है, यहाँ पे कोरोना की मार है, नहीं तो यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना टूरिस्ट होता है इस समय। समय हुआ है 7:50 और हम निम्मू में पहुँच गए हैं और अंधेरा हो रहा है, लगभग हो चुका है अंधेरा और हम मैग्नेटिक हिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें जब तक पहुँचे अंधेरा हो ही जाएगा। लास्ट टाइम भी मैं 2018 में आया था तब भी इसी समय मैं मैग्नेटिक हिल पहुंचा था। तो गाइस ये है जलस्कार संगम पॉइंट, यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है, ये यहाँ पे नीचे आगे से घूम के जाना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं आगे मैग्नेटिक हिल की तरफ और उसके बाद पत्थर वाला गुरुद्वारा फिर आएगा, नहीं समय होगा तो कवर करेंगे, नहीं तो फिर आगे चल पड़ेंगे। ले में आपका स्वागत है, हम पहुंच गए हैं ले। ये देखिए स्तूपा और इस समय मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। तो ये मार्केट है ले की, हम एंटर कर गए हैं मार्केट के अंदर और ये वन वे लिखा हुआ था बाहर तो। और यहाँ पे दुनिया भर के होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, बहुत चेंज हो गया यार, बहुत ही खूबसूरत बन गया है ले। तो गाइस हम पहुँच गए थे ले में करेक्ट 9 बजे और जिक जिक हॉलीडे होम्स है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने रूम चेक इन कर लिया है और पूरा लगेज लगा लिया है और एक्स्ट्रा बेडिंग ले लिया है। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है हमारा रूम। और करेक्ट हम 9 बजे ले में एंटर कर गए थे और 9:30 हमने चेक इन कर लिया था। कल का प्रोग्राम ऐसा है कि कल हमने पहले परमिट बनवाने हैं तो और टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता अभी। और अमित भाई को अपनी बाइक अभी ठीक करवानी, मिसिंग मार रही है काफ़ी, बाकी तो सब ठीक है। आज का ब्लॉग हम यहीं पे वापस समाप्त करते हैं। हाँ जी। तो गाइस राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, बाय बाय।